जय हिंद दोस्तों, ये शर्मा डेयरी है गर्दीवाला होशियारपुर में। राजू जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, बहुत ही होनहार हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत नाम है इनका। और आज जम्मू कश्मीर के लिए इनकी गाय हैं HF, तो बात करते हैं इनसे कि क्या हिसाब किताब है। नमस्कार अंकल जी। मास्क नहीं लगाते हो, डरते नहीं? नहीं अंकल जी, मैं रहते घर पर हूँ, जहाँ गाड़ी में जाऊँगा तो फिर मास्क पहनता हूँ। ऐसी बात नहीं है जी, ये तो बहुत जरूरी है। नहीं अंकल जी, मैंने टीका भी लगवा लिया जो गवर्नमेंट ने। कोई फर्क नहीं पड़ता, टीका लगाने वाले को भी जरूरी है। आप अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी वजह से दूसरे लोग भी नुकसान में आएंगे। आपकी बात सही है, लेकिन जो हमारे इधर का माहौल है, बिल्कुल मैं हूँ पहाड़ी इलाके। कोरोना बहस नहीं मानेगा जी? जी वो कहता कि लगाओ, मैंने जो गवर्नमेंट का टीका वो सर लगा लिया। कोई बात नहीं, टीका जो दिखा रहे हो जी अंकल जी। कहाँ के हैं व्यापारी? ये पुलवामा जाएगी जी, ये मेरा गवर्नमेंट का टेंडर पास हुआ है 800 गाय का। अच्छा, ये उसी लॉट में ये चौथा गाड़ी जा रहा है मेरे। चौथी गाड़ी जा रही है जी। सुना बॉर्डर के ऊपर बड़ी परेशानी होती है? परेशानी तो है अंकल जी, लेकिन चलो फिर भी गाड़ियाँ निकल रही हैं। पहले गाय के बारे में बताओ। ये एडिडास की है, सेकंड है। पेट छोड़ गई है? पेट नहीं छोड़ गई, इसने खाना ये बहुत खाती है जी। ब्याह चुकी है? नहीं, बच्चा देने में अभी एक महीना है। एक महीना पड़ा है। अच्छा, ये इसका रिकॉर्ड चेक किया हमने, ये 38 लीटर इस बछड़ी ने फर्स्ट में दूध दिया है। ये सेकंड में है? ये अभी सेकंड में बच्चा देगी, और प्लस एक महीना कच्ची है जी। कितना देगी तुम्हारे हिसाब से? 40 लीटर के ऊपर तो मेरे को, मैं इसकी क्षमता मैं रखता हूँ। कौन से टीके की है ये? ये खुद है एडिडास की अंकल जी। इसको मतलब की सेक्सी में लगा हुआ है स्टैकर का जी। वो कहते हैं कि व्यापारियों को मालूम नहीं होता है, कोई टीके रटे हुए होते हैं, ऐसे बोल देते हैं। नहीं अंकल जी, जितना मेरे को देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है जो आपने बोली, लेकिन जो मेरे को फार्म वाला बताएगा मैं तो वही बोलूँगा सर। तो इसका क्या दाम लगाया फिर? जे सर, ये भी मैं बात क्लैरी करना चाहूँगा, ये खुद एक व्यापारी के पास जा रही है, अगर मैंने इसके बारे में बताया तो उसको दो पैसा नहीं मिलेगा। छोड़ दो इस बात को जी। वैसे अगर इसके हिसाब की गाय होगी तो कितने के करीब? ये 1 लाख के ऊपर की बछड़ी है जी। 1 लाख जी। चलो, मतलब लोगों को पता चलना चाहिए ये 1 लाख के। हमारा मकसद यही है कि लोग पढ़े लिखे लोग इस धंधे में आए जी, और उनको मालूम हो कि इस कैटेगरी की गाय का दाम ये होना चाहिए। वो व्यापारी बाजार ये ना बताओ उसको। जब ये पूरा ऑर्डर लगाएगी अंकल जी, ये बछड़ी 1 लाख के ऊपर में कश्मीर के वहाँ बिकेगा, मेरे को पता है, लेकिन ये बहुत वाजिब रेट पर दिया है, क्योंकि ये खुद एक व्यापारी के पास जा रहा है। जो आपके पास से जा रही है गाय जी, तो ये आगे व्यापारी पर जाती है जी, किसानों पर नहीं जाती? देखिए, वो भी किसानों के लिए खरीदते हैं, वो भी किसानों के लिए खरीदते हैं, लेकिन ने खड़े कर रखे हैं। नहीं 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 अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। अभी कश्मीर में मतलब कि 50% की सब्सिडी है गाय के ऊपर, जो मेरे को पता लगा है, जो मेरे भाई बताते हैं। मालूम है मुझे, कौन सी ब्याज की है ये अंकल जी? सेकंड में बच्चा देगी जी। ये तो उससे भी ज़्यादा कसी हुई है अंकल जी। ये बछड़ियाँ जो फार्म की होती है, इन्होंने सैलेज खाया हुआ है, ये मतलब कि बिल्कुल तंदुरुस्त जानवर की निशानी है, जो बिल्कुल अपना खाना खाएंगे। ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है जी, बिल्कुल सही है अंकल जी। प्योर में है? प्योर EBS की है जी। कितना दूध देगी इसका? हमने बैठ कर जुनेद भाई ने और हमने रिकॉर्ड चेक किया, इसकी मदर का भी और इसका खुद का भी, इसने 35 लीटर दूध दिया अंकल जी, वो तो फर्स्ट में। अब की बार मैं 40+ की उम्मीद रखता हूँ इसके ऊपर। कितना समय बाकी है अभी? अभी ये 15 दिन कच्चा है बछड़ी है अभी। अच्छा जी, बिल्कुल। तो अब तुम वहाँ व्यापारी वो दाम नहीं मानेगा जी? अगर वैसे गाय खरीदने जाओ कितने की मिलेगी अंकल जी? ये 85-90 हज़ार से कम बछड़ी ऐसी नहीं मिलती है। अगर जो हम अच्छे फार्म में जाएंगे, जिसको इस बारे में पता है, ये ब्रीड वाली बछड़ी है, इसका दाम आज भी मतलब कि 85-90 हज़ार रुपया बछड़ी का दाम है। ये 6 दांत दिखा रहे हो जी? बिल्कुल अंकल। तो क्रॉस में है ये सर जी, इसको हम शाहीवाल भी बोल सकते हैं, लेकिन असल में ये गिर फर्नांडो इसको बोलते हैं सर। गिर फर्नांडो क्या है, नया नाम हो गया ये? आपको जानकारी, ये मेरा देना फर्ज है, किसान भाइयों को भी देना मेरा फर्ज है। कुछ लोग समझेंगे ये शाहीवाल है ब्लैक। कहाँ का सीमन है ये? साउथ अफ्रीका का सीमन है सर। अच्छा, इसको मैं गिर फर्नांडो इसको बोलते हैं, जो ओरिजिनल गिर फर्नांडो है ये है। अच्छा, तो अब है प्रचलित यहाँ पे? नहीं, कहीं कहीं सर जी ये सीमन काफ़ी चिर पहले आए थे। आता नहीं अभी, ये सीमन बंद हो गया है। बंद हो गया? हाँ जी, बंद हो गया, लेकिन वो चंद कहीं कहीं ये जानवर दिखने को मिल जाता है। ये फर्स्ट में बछड़ी है, साहिवाल से क्रॉस है
हाँ शाहीवाल से ये इसको क्रॉस किया हुआ है जो गिर फर्नांडो है। कितना देगी दूध ये? जी अंकल जी दूध देती है 20 से 25 लीटर ही। पहली बार आएगी? हाँ पहला बार देगी। इतना जरूर देगी। वैसे बेचने लेकर? नहीं 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 अंकल जी शाहीवाल तो सही महीने में 10 से 15 लीटर देती है। ये इसको गिर फर्नांडो इसीलिए बोला जा रहा है। एक बात बताएं जी, जो तुम्हारे पास पहली बार आ गया जी, उसने तो देखा नहीं है, कई लोग अनुभवी भी नहीं होते हैं, उनको तुम पे विश्वास है जी, कि जो तुमने कह दिया ना जी जी, तो वो उसको जो है सत्य मान के चलते हैं। देखिए तो 25 लीटर देगी ये? जे सर जी अगर ये इस बछड़ी गिर फर्नांडो जिन्स ने दूध नहीं दिया तो फिर किसने देना है? जब ये ऑर्डर लगाएगी ना इसका, कितनी फैट होगी इसकी? इसकी आती है 5.5 की करीब। 5.5 की आई? हाँ आराम से ऊपर चलती है। मैं लेकिन आपको कम बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या रेट बिक जाएगा दूध इसका? अंकल जी इसका तो मूत्र भी बिकता है। नहीं दूध क्या रेट बिक जाएगा इसका? देखिए जो अच्छे फार्म है जहाँ इसकी कदर है वहाँ 100 रुपये लीटर भी इसका दूध चलेगा चलेगा। इसका तो गोबर भी बिकता है। डेढ़ महीना भी लेगी जी? तो आज इसका क्या दाम है? अंकल ये 40,000 में मैंने लेकर दिया उनको। 40,000 भाई एक ही बछड़ी का रेट बताऊंगा, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। तो ये अगर डेढ़ महीने बाद बेचेंगे कितने जी? अंकल जी 80-90 हज़ार, 1,00,000 रुपये की बछड़ी है। तो इतनी सस्ती कैसे ले अंकल जी? बात देखिए पता क्यों आपने सवाल कर लिया, मैं पूरे लॉट में एक बछड़ी का रेट आपको बता दिया। नहीं वो तो बता दिया, बस इतना कम क्यों रखा हुआ? अंकल जी ये उसके मुकद्दर है। अच्छा मिल गई इतने उसके? मिल गई, आमने सामने बात हुआ। अच्छा ये दूध दांत है? ये खीरी है जी, बिल्कुल मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं। मिल्क टीथ? हाँ जी। बहुत नमूना है। मैं क्या अंकल जी ये कश्मीर की जान है, जनते कश्मीर में। क्या दाम में मिलेगी? अंकल जी इसकी कोई कीमत नहीं है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा। कितने की जाओगे अंकल जी? आप थोड़ा अगर मेरे भाइयों के बारे में सोचिए, उन्होंने धंधा करना है। लेने जाओगे कितने की मिलेगी? अंकल जी इसकी कोई कीमत नहीं है, मैं आपको बस थोड़ा इतना ही बता। तुम बताओ, ये नहीं बताएगा कितने? लेने जाओगे 1,00,000 की मिलेगी। 1,00,000 की मिलेगी? तो मैंने सुना कि छोटी बच्ची भी जो है 5-4 दिन की भी 25,000 की मिलती है। अंकल जी जो अब इस बछड़ी का आप जो आपको ये घुमा रहे हैं किसान भाइयों, इस मदर इसकी मदर का रिकॉर्ड 54 लीटर राजू भाई ने देखा हुआ है खुद। हम इसको नहीं देखा, इसकी मदर को पहले देखा। तो ये कितना देगी दूध ये? अंकल जी ये 25 लीटर इस खीरी बछड़ी दूध करेगी। अभी डेढ़ महीना कच्ची है जी। डेढ़ महीना कच्ची है? डेढ़ महीना कच्ची है जी। 25 दे देगी? मैं क्या जी, अब कश्मीर की जान इसको बोलते हैं। ये बताओ जी कि अब मौसम बदल रहा है जी, अब जो एचएफ जो गाय है ज़्यादातर खास करके इनमें, हाँ जी अंकल जी, लहूमूत्र ज़्यादा करती है जी अंकल जी, क्या इलाज है उसका? भी इलाज है अंकल जी, सत्यानाशी एक पहिया और शक्कर, आप उसको गुड़ में रला पानी में रला कर इस बछड़ी को दे दो, अगर खून मूत्र वहीं बंद हो जाएगा। कितने की मिलेगी सत्यानाशी? 20 रुपये की बस। जो छोटा सा कितनी बार? दो बार करना अंकल जी, वहीं मुझे खत्म हो जाएगा जो खून मूत्र का बीमारी गर्मी में उसी वक्त। सत्यानाशी एक पहिया और 0.5 किलो शक्कर। क्यों होता है ये? जे अंकल जी गर्मी कई बार जानवर का अंदर का तापमान इतना बढ़ जाता है, उसको जो फीड एडजस्टमेंट नहीं कर पाती जो हम इनको देते हैं, उसके कारण कभी कभी जे खाने का भी कोई चक्कर ज़्यादा खा लेती है, उसके कारण भी जे ऐसी उससे भी हो जाती है जी सर। तो ये 6 दांत है? 6 दांत लेकिन लग रही बहुत उम्र की है सर। मेरा जे ये आदमी है ना, ये चारा है बहुत खिलाता है, दमा दम इनको। आज कुछ ज़्यादा ही पेट है इसका? पता नहीं ये कैसी सेवा करता है, लगा रहता सारा दिन। कौन सी ब्यांत की है? ये सेकेंड टाइमर की है। सेकेंड में जी? एक डेढ़ महीना कच्ची है जी। अभी डेढ़ महीना कच्ची है? डेढ़ महीना। कितना देगी दूध ये? अंकल जी इसने 32 लीटर दूध दिया फर्स्ट में। पहले में? पहले तो में। ये छोटे फार्म की है? फार्म की है अंकल जी। लोग बोल देते हैं बड़े फार्म में है तो बहुत बढ़िया ब्रीड होती है, कुछ वहाँ बैलेंस रहता है, ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं। अंकल जी बहुत गलत सोच है, लोगों को मेरे किसानों को गुमराह करते हैं। पंजाब में छोटा किसान हो या बड़ा फार्मर हो टीका एक ही होते हैं, तो खाली गुमराह कर देते हैं यार ये मेरा बड़ा फार्म है। उनके पास सिस्टम जो है ढांचा, हाँ जो है उनका थोड़ा सिस्टम है ऐसा होता है कि उनके पास 300-400 जानवर होते हैं या किसी के पास 100 जानवर होते हैं, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है, हाँ उसका थोड़ा जानकारियाँ ज्यादा मिल जाती हैं। अब तो नए जो है सेंसर लगाने लगे, पता चल जाता है कौन सी बीमार है। मैं आपकी बात समझता हूँ। देखिए जे छोटे किसान ने बछड़ी पाला हुआ है अंकल जी, ऐसे रुतबे वाली डेनमार्क 40116 की बछड़ी है, ब्रीड देखिए कैसी है जी सर। कमेंट आया तुम्हारी वीडियो में जी, गाय मेरी हाफ थी बहुत है जी सर, तो तुम्हारे बेटे ने जवाब नहीं दिया उसका जी, तो तुमसे जानना चाहेंगे क्या इलाज होगा उसका? सर जी गर्मी में अक्सर गाय हाँफने लगती हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, मतलब कि गाय को थोड़ा ग्लूकोज वगैरह होता है ना, जैसे उसको ग्लूकोज को शक्कर के साथ मिलाकर हम देंगे तो गाय को काफ़ी अंदर राहत आती है, इंसानों जैसा ही जो फील करती है सर जी। इंसानों में और जानवरों में कोई इतना फ़र्क नहीं है, ये हमारे
एक ही जैसे मतलब के ट्रीटमेंट चलते रहते इनके। जे आप बात समझने की है सिर्फ खाली, आप जानवर को जानवर मत समझें। मैं अपने किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा, मैंने अंकल जी ऐसे भी ट्रीटमेंट किए हैं जो जो एक इंसान के ऊपर मतलब कि टीकाकरण चलता है वो मैं जानवरों के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। मेरे को थोड़ा हिंदी बोलना कम आता है, अगर किसी किसान को किसी बात की कमी लगती है मेरे को फ़ोन पर बात करे, फिर मैं उनको समझा अच्छा, सकता हूँ। कितना दूध बताया इसका? इसने फर्स्ट में 32 लीटर दिया है अंकल जी। ऐसी बछड़ियाँ तो अंकल 40 लीटर दूध देना आम बात है। कितनी फीड इसको चाहिए? इसको कम से कम भी वन टाइम की 4-5 किलो तो अंकल जी फीड चाहिए चाहिए, अगर आपने दूध इसका मतलब कि अच्छा लेना है तो। ये जो दिखा रहे हो जी अंकल जी, तो कौन सी बात की है? सर जी देखने में को तो किसानों को मैं बोल दूँ, जो फर्स्ट टाइमर है तो वो यही मानेंगे जो फर्स्ट टाइमर ही है। ये सेकंड में बच्चा देगी अंकल? सेकंड में देगी जी। कितना दूध वाली है जी अंकल जी? ये 20 से 25 लीटर दूध करेगी। ये क्रॉस में है? क्रॉस में है जी। तो 20-25 ही देगी आराम से? कितना समय बाकी है अभी? एक महीना और 1.5 महीने के बीच का ही कश्मीर वालों ने गाय लिया है, उसका भी कुछ रीजन है क्योंकि उनके पास हरेक तरह का बोल, मेरे को बोल रहे थे राजू भाई कि मेरे किसानों का जब गाड़ियां इधर से निकलती हैं तो कभी कभी उधर ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वहाँ पर बहुत परेशानी आती है जनी हुई गाय के लिए जब कश्मीर को जो माल जाता है। जैसे अभी परसों जो मेरा गाड़ी निकला है वो रास्ते में खड़ा हुआ है, उसको ना नीचे उतार सकते हैं ना, बहुत मुश्किल है। तो जनी हुई गाय के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने फिर उनको सुझाव दिया कि हम थोड़ा थोड़ा कच्चा गाय लेंगे ताँ जो अगर टाइम भी लगे आपके घर तक सही सलामत चला जाए। कितने पैसे लग जाएंगे इसको तैयार करने में? अंकल जी अभी एक महीना आप मान के चलिए 100 रुपया तो रोज का खर्चा है। अगर इसको बछिया से तुम तैयार करते हो हाँ जी, तो आज तक कितने की बैठेगी अंकल जी? अगर ये मैं फार्म के लेवल से बात करूँ एक बछड़ी एक तैयार करने में, इसकी बात करते हैं इसकी, ये देखिए छोटा हो या जब बड़ा हो खर्चा तो उतना ही आता है, लेकिन अगर ये फार्म के साथ 70-80 हज़ार आराम से आता है अंकल जी। जो अगर ब्रीड की बछड़ी तैयार करनी हो नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक, गाड़ी का जो ऑर्डर मिला हुआ है जी, कितने समय पूरा करना है सर जी? ये पूरा गर्मी चलता ही रहेगा जी, चलता ही रहेगा ये, चलता रहे क्यों? ये कश्मीर के लिए थोड़ा जो कंडीशन है उधर आपको सारा उन्होंने बताया था जनेद भाई ने पिछली वीडियो में भी, तो थोड़ा परमिशन का चक्कर रहता है जी।